दोस्तों आज हम आयुर्वेद की अलग अलग दवाओं के बारे में या अलग अलग औषधियों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि उन अलग अलग औषधियों को या उन अलग अलग दवाओं को किस समय के अंदर अंदर ले लेना चाहिए, कितने समय के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आयुर्वेद में अलग अलग तरह की दवाएं बनती हैं, जैसे आयुर्वेदिक टैबलेट, आयुर्वेदिक शरप, आयुर्वेदिक आसव अरेस्ट, आयुर्वेदिक अवले शरबत आदि, ऐसे अलग अलग तरह की दवाएं बनती हैं या अलग अलग तरह के रसायन बनते हैं। तो हम ये जानेंगे कि यह अलग अलग तरह की दवाएं कितने समय के अंदर अंदर हमें खा लेना चाहिए। इसमें आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि इन दवाओं को उस नियमित समय के अंदर अगर नहीं खाया जाए तो वह कम गुण वाली हो जाती है, मतलब उन दवाओं की क्वालिटी कम होना शुरू हो जाती है, उनसे मिलने वाले फायदे हमें उतने नहीं मिल सकते जितना बताए गए समय के अंदर ले लेने से मिल जाती है। सबसे पहले हम उन दवाओं के बारे में जानेंगे या उन औषधियों के बारे में जानेंगे जो कि हमें सीधे डायरेक्ट पेड़ से मिलती हैं, जो जंगल से मिलती हैं। एग्जाम्पल के रूप में माने तो मलेठी, अश्वगंधा, शतावर, ऐसे कई औषधि हैं जो सीधा हमें पेड़ों से मिलती हैं। तो इन औषधियों के बारे में ऐसा माना जाता है आयुर्वेद में कि यह औषधि एक साल के अंदर अंदर हमें ले लेना चाहिए। अगर इनको एक साल के बाद लिया जाए तो यह उतनी फायदेमंद नहीं होगी, मतलब इनके गुण एक साल के बाद खत्म होना शुरू होने लगते हैं। अब अगर यही औषधि चूर्ण में बन जाती है, मतलब इन औषधियों को चूर्ण में पाउडर में तैयार कर लिया जाता है, जैसे मलेठी चूर्ण, अश्वगंधा का चूर्ण, आंवले का चूर्ण, तो यही चूर्ण 2 महीने तक अच्छे रहते हैं, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर इसका सेवन कर लिया जाए तो यह फायदेमंद तो रहेगा, लेकिन अगर 2 महीने के बाद इन्हीं चूर्ण को अगर व्यक्ति खाता है तो यह उतने फायदेमंद नहीं रहेंगे। इसमें एक बात आती है कि अगर इन्हीं चूर्ण में नमक, हींग या पारद मिला लिया जाए तो यही चूर्ण की एक्सपायरी डेट बढ़कर 6 महीने की हो जाती है। मतलब किसी भी चूर्ण में, किसी आयुर्वेदिक चूर्ण में, किसी आयुर्वेदिक फॉर्मूले में अगर हींग, नमक और पारद मिला लिया जाए तो वही आयुर्वेदिक चूर्ण 6 महीने तक अच्छा बना रहता है। जैसे कुछ समय पहले हमने हिंगवष्टक चूर्ण के बारे में जाना था, तो यही हिंगवष्टक चूर्ण 6 महीने तक अच्छा बना रहता है। वो चूर्ण तो है लेकिन उसमें 2 महीने नहीं बल्कि 6 महीने की एक्सपायरी डेट हो जाती है, क्योंकि उसमें हींग भी है और नमक भी है। और इस तरह के चूर्ण जिसमें हींग और नमक मिलाई जाती है तो यही चूर्ण अगर 6 महीने के अंदर अंदर ले लिया जाए तो वह अच्छी गुण वाली होती है, उससे मिलने वाले फायदे आपको मिल जाएंगे। लेकिन यही चूर्ण अगर 6 महीने के बाद लिया जाए तो इसके गुण कम होना शुरू हो जाते हैं, इसकी क्वालिटी कम होना शुरू हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं आयुर्वेदिक अवलेह के बारे में, आयुर्वेदिक गोलियों के बारे में और आयुर्वेदिक शरबत के बारे में। इसमें शरबत और गोलियों के बारे में आपको पहले ही पता होगा। अवलेह का मतलब ऐसा होता है कि आपने जैसे च्यवनप्राश देखा होगा जो कि एक गाढ़ा लिक्विड टाइप का होता है, वही उसको अवलेह कहते हैं। तो इस तरह की दवाओं के बारे में, मतलब गोलियाँ, आयुर्वेदिक शरबत और अवलेह के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह एक साल तक अच्छे बने रहते हैं, और एक साल के समय बीत जाने के बाद यही अवलेह, यही गोलियां और यही शरबत कम गुण वाले हो जाते हैं, मतलब इनकी क्वालिटी कम होना शुरू हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं पाक के बारे में, जैसे बादाम पाक, मूसली पाक। तो इन पाक के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह सिर्फ 1 महीने तक अच्छे बने रहते हैं, 1 महीने के बाद इनकी क्वालिटी और गुण कम होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आप कहीं बाजार से, कोई अच्छी आयुर्वेदिक फार्मेसी से या कोई वैद्य से पाक लें तो उसको इतनी मात्रा में लें कि वह 1 महीने के अंदर अंदर ही आप खत्म कर लें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिद्ध तेल के बारे में। सिद्ध तेल उसे कहते हैं जो कि आयुर्वेदिक प्रोसेस से एक तेल अलग अलग औषधियों को मिलाकर बनाया जाता है। तो इन सिद्ध तेल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह 4 महीने तक अच्छे बने रहते हैं। 4 महीने के बीत जाने के बाद इनकी क्वालिटी कम होना, इनके फायदे कम होना, इससे मिलने वाले फायदे मिलना कम हो जाते हैं। अब अगर यही सिद्ध तेल कांच की बोतल में अच्छे से ढक्कन टाइट करके रखा जाए तो यह 1 साल तक इस्तेमाल करने के लायक बन जाता है। 1 साल के बाद कांच की बोतल में रखा हुआ सिद्ध तेल की क्वालिटी भी कम होना शुरू हो जाती है। अब आपने सिद्ध तेल के साथ शायद सिद्ध घृत के बारे में, सिद्ध घी के बारे में सुना होगा। घी के बारे में आपने ऐसा भी सुना होगा कि यह जितना पुराना हो उतना अच्छा रहता है। ठीक उसी की क्वालिटी यहाँ पर हम ले सकते हैं, मतलब सिद्ध घी पुराना भी हो जाए तो भी वह इस्तेमाल करने के लायक होता है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। और ठीक घी के जैसे ही आसव अरिष्ट रसायन और धातुओं की बनी भस्में, जैसे आसव अरिष्ट के बारे में जाने तो कुमारी आसव, अभ्यारिष्ट, पुनर्नवारिष्ट, ये सभी जितने पुराने होते हैं उतने ही अच्छे हो जाते हैं।
रसायन के बारे में जाने तो जैसे च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, ये भी जितने पुराने हो जाते हैं उतने ही अच्छे होते चले जाते हैं। अब अंत में धातुओं की भस्मों के बारे में जाने तो आपने स्वर्ण भस्म सुना होगा और लोह भस्म जैसी अलग अलग भस्में सुनी होंगी। ये भस्में भी इस प्रकार की होती हैं कि जितनी पुरानी होती चली जाती हैं उतनी ही अच्छी होती चली जाती हैं। मतलब घी, रसायन, आसव, अरिष्ट और भस्में जितनी पुरानी होती हैं उतने ही अच्छे होते चले जाते हैं। मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि इन्हें सबकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में कुछ विशेष जानकारी। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि इस तरह की जानकारी YouTube पर बहुत ही कम अवेलेबल होती है। मतलब बहुत कम लोग इस तरह की जानकारी देते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।